देखिए श्रुति झा और शब्बीर आलूवालिया, इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी तो सुपर डुपर हिट है और अब तो 7 साल तक कि इन्होंने झंडे गाड़े हुए हैं। जी हाँ, तो चलिए 7 साल के इनके खूबसूरत ऑन स्क्रीन सफर को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सेलिब्रेशंस के दौरान देखिए ना, श्रुति ने की ऐसी बात कि सुनने वाले सुनते रह गए। उन्होंने कहा शब्बीर नहीं, एक्चुअली काची कॉल का हाथ चाहिए उनको। क्यों, जानते हैं उनसे। गोवा लग आखिर लग रहा है कि एक कांची सबके पास होनी चाहिए। ये सिर्फ कांची का अप्रोच कर रही है। मैं कांची से सारा इन्फॉर्मेशन ले लूंगी। इंटरव्यू कब खत्म होगा? ये खुद रील से बनाती है। हाँ, वो वीडियोस होते हैं वो मैं डाल देती हूँ और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है रील्स। शब्बीर आलूवालिया और श्रुति झा, एक दुनिया का साउथ पोल है तो दूसरा नॉर्थ पोल। एक अपनी इंस्टा रील में अपनी मस्ती के साथ अपना टैलेंट दिखाती है तो दूसरा रील हो या रियल, वैसे तो चुपचाप रहता है, लेकिन वो कब कहां और कैसे एक जबरदस्त सा जोक मारेगा कोई नहीं जानता। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे हम दोनों के दिमाग में एक ही चीज चल रहा है। लोग अभी तक शो देख रहे हैं और वो देख रहे हैं तो हम बहुत मजे करते हैं और मजे करते हैं, आई थिंक उस स्क्रीन पे दिखता है और लोगों को पसंद आता है। SBS Originals आपको शब्बीर और सिद्दी के ऑन स्क्रीन 7 साल पूरे करने की खुशी में एक्सक्लूसिवली मिलवाएगा भी और होगी खूब मस्ती, खूब धमाल। यहाँ तक कि हमसे बातों ही बातों में श्रुति ने शब्बीर के सामने कांची का हाथ तक मांग लिया। नहीं नहीं, अपनी इंस्टा रील के लिए नहीं बल्कि असलियत में। I don't think I can say that on camera. मैं कांची की तरफ देखूंगी और डॉट 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 मैं कांची से सारा इन्फॉर्मेशन ले लूंगी। वाह, सो ओरिजिनल। अपने स्लैक से उतरूंगी। तो क्योंकि ये स्लैक लाइन करती है, हाँ, तो अगर समझाना पड़ा तो फिर जोक का क्या मतलब। आप भी समझा रहे हैं। मतलब इनका जो लव फॉर बुक्स है वो काश मुझ में होता, काश मुझ में होता, मुझ में बिल्कुल भी नहीं है। सो हर लव फॉर रीडिंग। गोवा लग आखिर लग रहा है कि एक कांची सबके पास होनी चाहिए। मुझे कुछ जरूरत होती है तो कांची से पूछ रहे हैं। So, I think कांची। श्रुति, शब्बीर के सामने कांची का हाथ मांगने की हिम्मत सिर्फ आप ही कर सकती हैं। यही कि 7 साल वाला क्वेश्चन हो गया। इंटरव्यू कब खत्म होगा? नहीं शब्बीर, आई होप ये जोक था राइट। ये सिर्फ कांची का अप्रोच करती है। नहीं, मैं यार नहीं। ये खुद रील से बनाती है। हाँ, वो वीडियोस होते हैं वो मैं डाल देती हूँ और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है रील्स। शब्बीर और सिद्दी से मिलने के बाद लेफ्ट लेते ही हमारी शाम एकदम से राइट हो गई, क्योंकि तनु अपने इंस्टाग्राम के लिए रील्स बना रही थी तो हमें लगा कि मौका भी है और दस्तूर भी, क्यों ना थोड़ी सी रील मेकिंग हम भी सीख ले। कुछ ऐसा हुआ when SBS Originals met शब्बीर एंड श्रुति, लेकिन इसके आगे और भी कुछ हुआ, वो क्या था ये आपको बताएंगे इस हफ्ते सिर्फ और सिर्फ SBS Originals में। गोवा से कलीम सलमानी के साथ ABP News रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।